नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पीछे हमने एक आप सभी आत्मजनों के साथ, मित्र गणों के साथ और हमारे एक उस आत्मीय संबंध जो आपके और मेरे बीच में बना हुआ है, उनके साथ एक बात साझा करी थी कि व्यवसाय, कार्य, व्यापार किस प्रकार से ज्योतिषीय उपकरणों के द्वारा लाभ दे सकता है, स्थिरता दे सकता है, जो समस्याएं, जटिलताएं चल रही हैं उनको ज्योतिषीय परामर्श से किस प्रकार से सहायता ले सकें। आज उसी खंड को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि दशम भाव जो मूलतः पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, व्यवसाय, आजीविका, जीविका, व्यापार, नौकरी, इन सभी से जुड़ा हुआ है, उसको किस प्रकार से बल प्रदान किया जाए। जब हम किसी भवन में रहने जाते हैं तो सर्वप्रथम ये देखते हैं, किसी निवास स्थान को चयनित करते हैं कि यहाँ हमारा निवास स्थान बनेगा, किसी भूखंड का चयन करते हैं कि यहाँ हम आने वाले समय में किस प्रकार से रह पाएंगे। सबसे सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक स्थितियों को ऊपर विचार किया जाता है। दशम स्थान व्यवसाय का भवन है, किस प्रकार से देखें कि इसको बल मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें अपना मनवांछित, इच्छित भवन ना प्राप्त हो रहा हो, तब भी हम उसको सुंदर, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ बनाने हेतु बहुत सारे उपकरण, सहायक वस्तुएं प्रयोग करते हैं, जिससे उस भवन की सुंदरता मोहक हो और उस भवन के कारण से हम वहां पे व्यतीत करने वाला समय सुगमता पूर्वक बिता सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार से दशम भाव भी एक व्यवसाय का भवन है, व्यवसाय का स्थान है, व्यवसाय का निवास है। कैसे? ऋषि पराशर ने क्या कहा, उस उनके कथन अनुसार किस प्रकार से हम इसे प्रयोग में लेकर आए, आइए देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी भाव यदि शुभ कर्त्री में हो तो वह अपने आप में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम लगन के दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में यदि शुभ ग्रह हैं तो लगन बलवान होता है, उसी प्रकार दशम स्थान व्यवसाय का लगन है। जिस प्रकार से लगन के दोनों दिशाओं में यदि शुभ ग्रह हैं, या नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात पराशर ऋषि कहते हैं, अर्थात दशम भाव के दोनों तरफ यदि शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति को जीवन में दशम स्थान की ऊर्जाएं भरपूर मिलेंगी। अब दशम स्थान के दोनों दिशाओं में शुभ ग्रह हों, क्या ऐसा संभव है? हर जन्मांग में ऐसा हो नहीं सकता। तो दशम स्थान के एकादश अगले स्थान यानी द्वितीय भाव, जो कुंडली का एकादश भाव कहलाता है, दशम स्थान का द्वादश भाव अर्थात दशम स्थान से बारहवां भाव, जो कुंडली का नौवां स्थान कहलाता है, उन स्थानों में यदि शुभ ग्रह विराजित हों तो दशम स्थान को अपना भी बल प्रदान होगा। एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, जिससे भारतीय जनमानस, ये संसार सभी इससे किस प्रकार से लाभ प्राप्त करें। एकादश स्थान कोष का स्थान है, जहां पे व्यक्ति आने वाले आय के बारे में देखता है। मूलतः कोष का स्थान जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव है, किंतु एकादश स्थान भी आय के स्रोतों को बताता है, यह भी एक प्रकार से कोष का स्थान है।
अर्थात व्यापार स्थान के साथ, व्यापार स्थान के ऊपर, व्यापार स्थान के भीतर जो कोष आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साधारण भाषा में कहें जो वहाँ पे गल्ला आपने रखा हुआ है, ट्रेजरी रखी हुई है, ऐसा कोई जगह रखी हुई है जहाँ आप दैनिक व्यय हेतु, खर्चे हेतु अपना पैसा रखते हैं, उस स्थान पे एक शुभ ग्रह विराजित कीजिए। यहाँ नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात पराशर कहते हैं, अर्थात बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अर्थ क्या बना, उपाय क्या बना, रेमेडी क्या बनी, परिहार क्या बना, जहां भी आप अपने व्यवसाय का कार्य करते हैं तो कोष के अंदर, कोष के भीतर बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं स्थापित कीजिए। अब बृहस्पति की वस्तुएं कौन सी हैं? पीतल, सोना, केसर, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु के नाम, इस प्रकार से इनमें से पीले पुष्प, धार्मिक ग्रंथ, इस प्रकार से जहां भी आप अपने व्यवसाय को करते हैं उसके कोष में, उसके गल्ले में, उसके खजाने में, उसकी ट्रेजरी में, उसके लॉकर में, यदि आप इस प्रकार की वस्तुएं जो बृहस्पति की वस्तुएं भीतर आती हैं उनको रखेंगे तो दशम स्थान के दूसरे स्थान पर एक शुभ ग्रह की स्थापना होगी। इसी प्रकार दशम स्थान के द्वादश स्थान पर भी शुभ ग्रह की वस्तुएं स्थापित करनी चाहिए, जिससे कि दशम स्थान के बारहवें स्थान पर भी एक शुभ ग्रह की स्थापना हो। वे कौन सी हो सकती हैं? दशम स्थान से बारहवां स्थान जन्म पत्रिका का नौवां स्थान है, अर्थात जो व्यापार, दुकान, व्यावसायिक स्थल या ऐसा स्थान जहां बैठ के आप कार्य करते हैं उसके द्वादश स्थान पे, अर्थात बारहवें स्थान पे, अर्थात जन्म कुंडली के नौवें स्थान पे, यानी जिस जगह पे, जिस स्थान पे बैठ के आप अपना व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, जीवन यापन की गतिविधियां कर रहे हैं, उसके उस स्थान पे जहाँ पे कोई पूजा की वस्तुएं रखी हुई हैं, सामान्यतः अत्यधिक लोग अपने कार्यस्थान पे कोई ना कोई अपने इष्ट देव का चित्र, विग्रह, मूर्ति स्थापित करके रखते हैं और वो उनको प्रणाम करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके ही अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। अर्थात जो व्यापारी व्यवसायिक कार्य करने वाले लोग हैं वो यदि अपनी व्यवसायिक स्थान के पूजा स्थान पे शुक्र की वस्तुएं यदि स्थापित करेंगे अपने देवालय में, अपने पूजा स्थान पे, तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब शुक्र की वस्तुएं क्या हो सकती हैं? यहां मैंने कहा था नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह केवल दो बताए गए हैं, बृहस्पति एवं शुक्र। दूसरे स्थान में शुक्र, क्षमा कीजिएगा, दूसरे स्थान में बृहस्पति और द्वादश स्थान में शुक्र की वस्तुएं स्थापित करने से व्यवसाय के अंदर उन्नति कारक होता है। शुक्र की वस्तुएं क्या हो सकती हैं? सुगंध, रेशमी कपड़ा, मां लक्ष्मी का चित्र आदि इत्यादि, इस प्रकार की वस्तुएं यदि अपने व्यवसाय स्थान के पूजा स्थान पर रखेंगे तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। इससे दशम स्थान शुभ कर्तरी योग के अंदर फल देना प्रारंभ करता है। ये एक सामान्य उपाय हुआ, इसके बाद थोड़ा और इस पे शोधन करें तो ये बरामीर के द्वारा रचित है कि लगन के भीतर, लगन के भीतर द्विपद राशियां बलवान है,
दशम स्थान के अंदर चतुष्पद राशियां बलवान हैं, सप्तम स्थान में कीट राशियां बलवान हैं और चतुर्थ स्थान में जलचर राशियां बलवान हैं। अर्थात यदि दशम स्थान के अंदर चतुष्पद राशियां आ गई तो वे अपने आप में ही एक बल प्रदान करती हैं। चतुष्पद राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे वृषभ एक चतुष्पद राशि है, इसी प्रकार से सिंह एक चतुष्पद राशि है, मेष एक चतुष्पद राशि है। यहां हम बात कर रहे थे मेष राशि के लगन की। जब मेष राशि का लगन है तो चौथ दशम स्थान के अंदर चतुष्पद राशि नहीं आएगी। यहां कौन सी राशि आई? मकर। मकर का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, प्रथम 15 अंश और बाकी के 15 अंश, ये दोनों भिन्न राशियों के गुण बताती हैं। तो जिनका मेष लग्न है वो अपने दशम स्थान को बल देने के लिए क्या करें, ये देखें कि चंद्रमा से दशम स्थान पे क्या चतुष्पद राशि है, सूर्य से दशम स्थान पे क्या चतुष्पद राशि है, लग्न से दशम स्थान पे तो यहाँ पहले ही कहा कि कोई चतुष्पद राशि नहीं है। तो ऐसा कोई विग्रह है, ऐसा कोई चित्र, मोहक चित्र, मनवांछित चित्र जिसमें चतुष्पद दिखाई दे, अश्व का हो सकता है, घोड़े का, नंदी महाराज का हो सकता है, बैल का, या जो आपको मोहक लगे, हिरण का, मृग का भी हो सकता है, अपने स्थान पे लगा के रखें। तो दशम स्थान में चतुष्पद राशि बलवान होंगे और दशम स्थान को और बल मिलेगा। क्योंकि यहाँ दशम स्थान के अंदर मकर राशि उदित है तो मकर का जो स्वरूप बताया है ज्योतिष शास्त्र में उसमें कुछ मृग और कुछ मकर का अर्थात मगरमच्छ का स्वरूप बताया है। यदि अपनी मान्यताओं के अनुसार आप मृग का चित्र एवं माँ गंगा जो मकर के ऊपर सवार होकर धारा प्रवाह में बह रही हैं उनका चित्र भी अगर अपने दशम स्थान में अर्थात व्यवसाय स्थान पर लगाएंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। मेष लगन के ऊपर, दशम स्थान के ऊपर हम वार्तालाप कर रहे थे, आगे थोड़ा और इस स्तर को ऊपर उठाएं। भाव का स्वामी यदि भाव को देखे या भाव में बैठा हो तो भाव बली होता है। एक, योग कारक ग्रह यदि भाव को देखे तो भाव बली होता है। दो, तीसरा, शुभ ग्रह यदि भाव को देखें तो भाव बली होता है। बृहस्पति की दृष्टि 5, 9, 7, शुक्र की दृष्टि सीधी अर्थात सप्तम, शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम और दशम। अब किस प्रकार से किस स्थान पर किस ग्रह को की वस्तुएं विराजित करें जिससे उनकी दृष्टि दशम स्थान पर चली जाए, ये मैं बहुत सटीक विश्लेषणात्मक और कई कुंडलियों के ऊपर प्रयोग करके ये अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसी प्रकार से दशम स्थान के ऊपर मेष राशि वाले जातक जिनका चंद्रमा मेष हो वो, या जिनका लग्न मेष हो वे दोनों ही इस प्रयोग को करके देखें कि शनि से संबंधित वस्तुएं यदि वो अपने दशम स्थान के ऊपर विराजित करेंगे तो बहुत ही उनको लाभकारी रहेगा। अब शनि से संबंधित वस्तुएं क्या हैं? जैसे पुरातत्व शनि के अधीन आता है तो कोई ऐसी पौराणिक वस्तु जो आपके पूर्वजों ने आपको प्रदान करी हो और वो उस व्यवसाय के साथ रखने के योग्य भी हो, किसी घर के
वृद्ध व्यक्ति का चित्र जो आपको आशीष प्रदान करे। लोह तत्व से बने हुए वस्तुएं जैसे कि लोहे की कुर्सी, बैठने का स्थान या आदि इत्यादि। मूलतः अर्थ क्या है कि दशम स्थान को शनि के साथ जोड़ के ऊर्जा प्रदान करनी है। दूसरा, शुभ ग्रह यदि दशम स्थान को देखें तो दशम स्थान को बल प्राप्त होगा। तो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करी है यहाँ पे, चंद्रमा और बुध दोनों अनुबंधित शुभ ग्रह हैं, अर्थात चंद्रमा पक्ष बली है तो शुभ ग्रह है, बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ है। इसलिए यहाँ हम केवल बृहस्पति एवं शुक्र की ही बात कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम, योगकारी ग्रह यदि भाव को देखें, यहां लगन के योगकारी ग्रहों के ऊपर बात नहीं की जाएगी, दशम स्थान के ऊपर जो उदित राशि है उसके योगकारी ग्रह होने चाहिए। मूलतः शनि की राशियों में शुक्र योगकारी ग्रह होते हैं एवं शुक्र की राशियों में शनि योगकारी ग्रह होते हैं, अर्थात दशम स्थान के साथ शुक्र की वस्तुओं को भी जोड़ के बनाया जाए तो ये बहुत ही ऊर्जा देने वाला रहेगा। और इस प्रयोग को आप करके देखिए। आज की चर्चा यहीं तक, किंतु मेष राशि की चर्चा और दशम स्थान की चर्चा वार्तालाप आपके साथ हमारी बनी रहेगी। आशा करते हैं ये जो खंड मैंने बनाया है ये आपको व्यवसाय संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेगा, सकारात्मक विचार देगा और आप इसके ऊपर कार्य करेंगे। आम जनमानस, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि किस प्रकार से इसका लाभ ले, जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, राशि का ज्ञान नहीं है, जिनको अपने लगन का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ आज उनके लिए एक विशेष प्रयोग कि दशम स्थान के दोनों भावों में, अर्थात जिस स्थान पे व्यक्ति काम कर रहा है उसके दूसरा स्थान, अर्थात वहाँ जो रखने वाला गल्ला है, कैश रखने वाला स्थान है उसके ऊपर, बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं अर्थात केसर, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु के नाम की पुस्तक, इस प्रकार की वस्तुएं अपने कोष के अंदर रखें। दशम स्थान के द्वादश स्थान को शुभता प्रदान करने के लिए, अर्थात जिस स्थान पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर अगर उन्होंने कोई पूजालय बनाया हुआ है तो उस स्थान के ऊपर शुक्र से संबंधित वस्तुएं अर्थात सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग और इसको विश्लेषणात्मक तरीके से जानना चाहते हैं तो दशम से द्वादश अर्थात ऐसा स्थान जहां व्यक्ति अपने व्यापार और कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य करने के बाद थोड़ी देर विश्राम भी कर ले तो वो दशम से द्वादश स्थान है। दशम से द्वितीय स्थान व्यक्ति जहां अपना दशम स्थान अर्थात हमारा कार्य का, तो अपने कार्य के भीतर जो लोग जन समुदाय या जो उनके अधीनस्थ या सहकर्मी जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ बैठने का स्थान भी दशम से दूसरा है। इन दोनों स्थानों के ऊपर बृहस्पति और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करने से दशम स्थान की ऊर्जाएं बढ़ेंगी। ये आम व्यक्तियों के लिए भी एक सामान्य उपाय। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। आप प्रगति करेंगे, हम प्रगति करेंगे तो समाज अपने आप प्रगति करेगा। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर केवल मेल के माध्यम से ही प्रदान किए जाते हैं। कई बार हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता और अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार मेरे से जितना बन सकता मैं आप लोगों के साथ वो साझा भी कर देता हूँ। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत जीवन में प्रगति कीजिए। स्नेहाशीष आप सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।